दिग्रस शहर में बाढ़ ग्रस्तों का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोमवार को मोतीनगर के सैकड़ों लोगों ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर सर्वे को दोषपूर्ण करार देते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर रोष व्यक्त किया। पेशे दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की ये खास रिपोर्ट। प्रशासन की उपेक्षा या नजरअंदाजी जब जनता के हक अधिकारों का हनन करती है, तब जनता के सब्र का बांध टूटने में देर नहीं लगती। इसका जीता जागता नजारा सोमवार को तहसील कार्यालय में देखने मिला, जहां सैकड़ों की तादाद में पहुंचे मोतीनगर के बाढ़ग्रस्तों ने तहसील प्रशासन के सर्वे की कार्य प्रणाली को दोषपूर्ण करार देते हुए असल लाभार्थियों के बजाय फर्जी बाढ़ग्रस्तों को बाढ़ पीड़ितों की लिस्ट में शामिल करने का आरोप लगाया। इस जनाक्रोश में महिला बाढ़ पीड़ितों ने कथित सर्वे को सर्वे के नाम पर की गई धोखाधड़ी बताते हुए उनके साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ जमकर रोष व्यक्त किया है। जो नहीं है वो लोगों को आना खानी दे रही है, कौन सी रीत है, ये कौन न्याय है? गवर्नमेंट ने दिया नहीं क्या? सब शिवता दी, हमारे तक पहुंची नहीं, फिर हम क्या कर सकते हैं? हमको तो तहसीलदार का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। अब तहसीलदार जो है वो न्याय करेगा, हमारे लोगों को, गरीबों को इंसाफ दिलाएगा। इसके आगे तो कुछ आता नहीं है। हमारे अनपढ़ लोग, रोज मजूरी वाले लोग, क्या खाना, कपड़ा रहा नहीं, भांडे बर्तन रहे नहीं, घर रहा नहीं, कुछ ही नहीं रहा तो करेंगे क्या? क्या इलाज है? कहा है कोई मंत्री वंतरी संतरी? कोई नहीं काम में आ रहा, ना कोई मेंबर आ रहा। क्या फायदे की दुनिया है? दुनिया काय को बने? अंधी डिग्रस। सही बोला था गांधी बाबा ने, ये अंधी डिग्रस है, ये अंधी डिग्रस है। सुखे वालों को, टेकड़े वालों को अनाज मिल रहा, हमको वो भी अनाज नहीं मिला। हमको पापा अनाज हमारे घर तक पहुंचा दिए, बस हमारा पेट भर गया। हमारा मुकानी वाला छीन के तुमने लोगों को बांट दिए, ये कौन सा इंसाफ है बाप? हाथ जोड़े पीछा छोड़े गवर्नमेंट से भी। हमारे यहाँ पटवारी लिखकर लेके गया, अरे ये काटे कैसा? पटवारी को बुलाओ, पटवारी को बुलाओ। पटवारी ने लिखकर लेके गया, हमारे नाम क्यों नहीं आए? गरीबों को मुंह मार के किसको दे रहे तुम? हमारे जो धार में फेंके जा रहे वो लोग बाहर रह रहे, जो लोग का नाम नहीं है वो लोगों के हमारे घर पे लोगों को कूपन डाल के पैसा दे रहे। हमारे शरीर में है लेकिन हमारे घर में पानी आया, हमको पैसे नहीं मिले, ना कुछ नहीं मिला। और जिसके घर में न्याय है उसको पैसे मिले, अनाज मिला, हमने क्या खाना सर? तुम बोलो, तुम डिसाइड करो। तुम्हारे गिर गिर का अंदर बुला रहे तो आके देख रहे नहीं, बाहर वाला कोई भी रोड पर लिख रहा ना तो उसका लिख के चले गए। हम इतना बड़ा जान खरक के कि पहले तुम तुम्हारे नजरों से देखो बाद में दे, फिर भी मानने को खाली नहीं। दुनिया सर, दुनिया का वहाँ के हाथ लिख रहे उनको दे दे रहे, हम बोल रहे ना तो तुम गाय को इतना कर रहे, लोगों का फायदा होन दे ना, उनका फायदा हो रहा, हमारा इतना, मेरे नवे दुल्हन का कितना नुकसान होगा? 2 महीने हो रहे मेरे बच्चे के शादी को, सब हमारा सब बह के चलेगा सारा, देखो तुम। मोतीनगर की बाढ़ पीड़ित जनता के आक्रोश और शिकायत का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार अक्षय रासने ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले में किए गए सर्वे और पंचनामे की जांच कर जो वाकई में पीड़ित है उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। पंचनामे झालेले असल्यास ते तपासले जातील, चौकशी केली जाईल आणि जे खरे खरे लाभार्थी असतील त्यांना मदत पुरवली जाईल। दिग्रस शहर के बाढ़ पीड़ितों पर पहले बाढ़ का कहर टूटा, लेकिन अब उन्हें सरकारी सर्वे में स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए अन्याय का भी खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। फर्जी बाढ़ पीड़ितों को लिस्ट से हटाकर असल लाभार्थियों का सर्वे दोबारा करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए तहसील प्रशासन क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।